जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 47 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्ले में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसके पहले हमने जो कर रहे थे उसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो हमको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इन सबको हमने कागज पे उतार लिया है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, पहला लिखा है वेयर द हैंड्स योर्स। वेयर मतलब होता है था थी थे, मतलब एक से अधिक होगा, प्लुरल होगा, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। हेंस मतलब मुर्गियाँ, योर्स मतलब आपकी या तुम्हारी, और वेयर पहले आ गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वाला है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो लिखेंगे क्या मुर्गियाँ आपकी थी या तुम्हारी थी। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है द हैंस वेयर नॉट, और इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा है वेयर नॉट, वरंट, इसको क्या कहेंगे, वरंट। वेयर नॉट का शॉर्ट फॉर्म वरंट, योर्स मतलब मुर्गियाँ तुम्हारी नहीं थी, ठीक है। तो लिखेंगे मुर्गियाँ तुम्हारी या फिर आपकी नहीं थी, खड़ी पाई, ठीक है। फिर अगला है द हैंस वेयर योर्स, मतलब मुर्गियाँ आपकी थी या तुम्हारी थी, तो लिख लेंगे मुर्गियाँ तुम्हारी या आपकी थी, खड़ी पाई। अब अगला है वाज द चॉइस देयर्स, देयर्स मतलब उन लोगों की, चॉइस मतलब पसंद, क्या पसंद उनकी थी या उन लोगों की थी। तो लिखेंगे क्या पसंद उनकी थी, वाज नॉट लिखे या वाजंट लिखे, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो लिखा है द चॉइस वाज नॉट दियर्स, तो मतलब पसंद उनकी या उन लोगों की नहीं थी, खड़ी पाई, ठीक है। अगला लिखेंगे द चॉइस वाज देयर्स, तो लिखेंगे पसंद उनकी या उन लोगों की थी। अगला है Was it theirs? मतलब क्या यह उनकी थी या क्या यह उनका था, ठीक है। क्या यह, it का मतलब यह, और यहाँ पे उनका, उनकी, उन लोगों की, ठीक है। क्या यह उन लोगों का था, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों का लिखिए या उनका लिखिए, दोनों सही होगा। अगला है इट वाज नॉट देयर्स,
वाजंट, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप या तो ये पूरा लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, दोनों का अर्थ एक ही है। तो हम लोग लिखेंगे यह उनका नहीं था, या यह उन लोगों का नहीं था, ठीक है। अगला लिखेंगे इट वॉज देयर्स, मतलब यह उन लोगों का था या उनका था। फिर यहां प्रश्न बन जा रहा है इज इट हिज, क्या यह उसका है, क्या यह उसका है, क्योंकि इज पहले है तो इसलिए क्या होगा, अब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए है होगा, ठीक है। फिर इट इज नॉट हिज, अब नॉट हिज यहां पे इज नॉट, इज का शॉर्ट फॉर्म है, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट, ठीक है। तो लिखेंगे यह उसका नहीं है, यह उसका नहीं है। खड़े इट इज हिज, मतलब यह उसका है, तो लिखेंगे यह उसका है। फिर आगे देखिए लिखा है वाज हर हस्बैंड एन एक्टर, मतलब पहले वाज है का मतलब क्या पहले है, क्या उसका पति एक एक्टर है, एक अभिनेता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या उसका पति एक अभिनेता है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो आगे दिया है हर हस्बैंड वाज नॉट एन एक्टर, वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म वाजंट, इस जगह पे आप ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हर हस्बैंड वाज नॉट, उसका पति अभिनेता नहीं है, तो लिखेंगे उसका पति अभिनेता नहीं है, यहां पे खड़ी पाई होगा, ये गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया है, ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न इसमें रहेगा तो ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे देखिए क्या है हर हस्बैंड वाज एन एक्टर, तो उसका पति एक अभिनेता है, तो ये लिख लेंगे उसका पति एक अभिनेता है। खड़ी भाई आगे देखिए लिखा है आर आवर फ्रेंड्स देयर इनेमीज, आवर फ्रेंड्स एक से अधिक दोस्त हैं, तो क्या आवर मतलब हमारे, क्या हमारे मित्रगण, ठीक है, क्या हमारे मित्रगण उनके या उन लोगों के शत्रु हैं, इनेमी मतलब शत्रु, दुश्मन, शत्रु हैं, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखिए लिखा है आवर फ्रेंड्स आर नॉट देयर इनेमीज, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरेंट होता है, ठीक है, तो लिखेंगे हमारे
मित्रगण उन लोगों के शत्रु नहीं हैं, नहीं हैं। खड़ी पाई, ठीक है। अगला देखिए लिखा है आवर फ्रेंड्स आर देयर इनेमीज, मतलब हमारे मित्रगण उनके शत्रु हैं या दुश्मन हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे हमारे मित्रगण उनके या उन लोगों के, उन लोगों के शत्रु हैं। खड़ी पाई। फिर अगला है आर वी हिज इनेमीज, आर वी मतलब हम लोग, क्या हम लोग उसके दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो लिखेंगे क्या, क्या हम लोग, हम लोग उसके शत्रु हैं, शत्रु हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए लिखा है वी आर नॉट हीज इनेमीज, मतलब हम लोग उसके शत्रु नहीं हैं। लिखेंगे हम लोग उसके शत्रु नहीं हैं। खड़ी पाई। अगला देखिए लिखा है वी आर हिज इनेमीज, मतलब हम लोग, अब यहां पे उसके शत्रु हैं तो हम लोग उसके शत्रु या दुश्मन हैं। अब यहां देखते हैं आर दीज आवर डॉग्स, मतलब ये, क्या ये हमारे कुत्ते हैं, क्या ये हमारे कुत्ते हैं, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए लिखा है कि दीज आर नॉट आवर डॉग्स, तो यहां पे होगा ये हमारे कुत्ते नहीं हैं, ठीक है। फिर यहां लिखा है दीज आर आवर डॉग्स, मतलब ये हमारे कुत्ते हैं, तो लिखेंगे ये हमारे कुत्ते हैं। फिर लिखा है इज दिस माई बुक, इज दिस माई बुक, मतलब क्या यह मेरा बुक है। लिखेंगे क्या यह मेरा बुक, बुक मतलब पुस्तक या मेरी पुस्तक, पुस्तक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे लिखेंगे दिस इज नॉट माई बुक, इजेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, इजेंट, दिस इजेंट माई बुक, तो लिखेंगे यह मेरी पुस्तक नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट माई बुक, यह मेरी पुस्तक नहीं है। आखिरी है दिस इज माई बुक, मतलब यह मेरी पुस्तक है। खड़ी पाई। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।